मैंने कभी कुछ लिखा नहीं है, लेकिन आज मन कर रहा है कि लिखूं। कोई शायरी या शेर नहीं, बस अपने मन की बात। किसी और के लिए नहीं, बस खुद के लिए। मेरा एक दोस्त है, वो लिखता है और कभी कभी बोलता है कि तू भी लिखा कर। मैं सोचता तो हूँ पर कभी लिखा नहीं। मतलब इतना इंस्पायर्ड नहीं हुआ कि लैपटॉप लूँ और टाइप करना चालू कर दूँ। हाँ, वो कलम और कागज लेकर लिखने वाले दिन गए मेरे। मैं राहुल सिंह, बेंगलोर की एक फेमस कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर हूँ। परिवार से दूर कुछ दोस्तों के साथ यहाँ रहता हूँ। उम्र शादी वाली हो गई है, इसलिए आए दिन मेरे पापा और मेरे बड़े भाई के ससुर जी की तरफ से मुझे शादी का रिश्ता आता ही रहता है। हर बार पापा मेरे लिए एक लड़की का रिश्ता भेजते हैं और हर बार मैं उसमें कोई ना कोई खामी निकाल कर उसे मना कर देता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई होरका परा हूँ कि मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए, पर मन में एक इमेज बनाई हुई है कि मेरी जिससे शादी हो वो ऐसी दिखनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी करती हुई होनी चाहिए। इसलिए शायद अभी तक पापा या भाभी के पापा ने जिन भी लड़कियों को मुझसे मिलवाया है या जिनसे भी मेरी बात करवाई है, उनसे मैं मैच नहीं कर पाया हूँ। कई बार तो जब किसी को रिजेक्ट कर रहा होता हूँ तो पापा भी खींच जाते हैं। खुद ही कर लो तुम अपनी पसंद से, मेरे बस का नहीं है। अब तुम्हारे लिए देखना, सही उम्र में शादी हो जाए तो सही रहता है, लेकिन तुम्हें तो कोई पसंद ही नहीं आती है। इतने नखरे भी नहीं होने चाहिए। अरे भाई, मार्केट से सब्जी अगर टाइम से ले आओ तो अच्छी मिल जाती है, और ज़्यादा देर करो तो बेकार और ख़राब से काम चलाना पड़ता है। लेकिन तुम्हारे समझ ही नहीं आ रही कोई बात। थोड़े टाइम बाद रिश्ते आने बंद हो जाएंगे, फिर क्या करोगे तुम? पापा मुझे हर बार ऐसा कहते हैं और अगली बार खुद से एक लड़की का रिश्ता ले आते हैं। अगर मैं ऐसे मोटा मोटा एवरेज लगाऊँ तो पिछले एक साल में मैंने 10 लड़कियों को रिजेक्ट करा है, और 11वीं जो मुझे पसंद आ रही थी उसने मुझे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मैं कोई हूर का पुरा नहीं हूँ, मैं भी रिजेक्ट हुआ हूँ। मैं अपने कॉलेज वाले दोस्त जो अभी दिल्ली में रहता है उससे अक्सर इस बारे में बात करता रहता हूँ। उसे बातें शेयर करने में आसानी होती है। ये तो नहीं कहूँगा कि सारी बात बता देता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा दोस्तों में अगर कोई है तो वो है। हम कॉलेज से साथ हैं और इस 10 साल की दोस्ती में एक दूसरे को काफ़ी समझते हैं। हम जब भी फ़ोन पर बात करते हैं तो ज़िंदगी में चल रही है एक्साइटमेंट और बोरिंग सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। मेरी लाइफ एकदम नॉर्मल है, मतलब एक आम लड़के की तरह। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही कभी रही है। मन में नहीं आया कि ऐसी गर्लफ्रेंड बनाई जाए। बेंगलोर जैसा शहर जहाँ मेरे हम उम्र के लोग हुकअप करते हैं, मैं वहाँ भी सिंगल हूँ। करियर को लेकर थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड हूँ और यही सोचता हूँ कि ज़िंदगी में एक ही लड़के से शादी और उसी से प्यार करना है। वही जो 90s की फिल्मों में होता था, अब वाली मैंने। उस दिन लगभग दिन के 2:30 बजे थे और मैं ऑफिस में लंच कर अपनी सीट पर वापस आकर बैठा था। लंच बॉक्स डेस्क पर रखा ही था कि मेरा फ़ोन बजा। अनजान नंबर होते ही मैंने उठा लिया। दरअसल ऑफिस में मैं काम में इतना मशगूल रहता हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि कोई मजबूरी है, बल्कि मुझे अपने काम में मज़ा आता है। उस दिन भी मैं काफ़ी बिजी था, इतना कि किसी का भी फ़ोन उठाने का टाइम नहीं था मेरे पास। लेकिन उस दिन वो अनजान नंबर जब स्क्रीन पर फ्लैश हुआ तो मैंने उठा लिया। शायद इसलिए क्योंकि लंच में ख्याल आया था कि ज़िंदगी बोरिंग हो रही है राहुल, कुछ तो करना पड़ेगा इंटरेस्टिंग। कॉल उठाया तो एक लड़की की आवाज़ थी। उस लड़की ने मुझे कॉल उठाते साथ ही बोला, मेरा रिश्ता आएगा तुम्हारे पास, तुम प्लीज़ मना कर देना, मुझे भी शादी नहीं करनी है। मैं जो आज शाम तक ये सोच रहा था कि आज क्या क्या काम निपटाने हैं, उनके बारे में सोच रहा था, जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ उसमें क्या क्या लूप होल हैं, फ़ोन पर ऐसी बातें सुनकर मैं एक जाना सा हिल गया। मतलब मन में तुरंत ख्याल आया, ये कौन है जो ऐसे सवाल कर रही है? मैंने कहा, एक्सक्यूज मी, आप हैं कौन? क्या आप जानती हैं मुझे? उधर से आवाज़ आई, हाँ मैं आपको जानती हूँ और मेरे घर वाले आपके और मेरे रिश्ते की बात कर रहे हैं। अब मेरे पास कोई कारण नहीं है आपको मना करने का, लेकिन प्लीज़ आप मुझे रिजेक्ट कर देना। आपके पास मेरा रिश्ता 3-4 दिन में आ जाएगा, तो जब कॉल आए मना कर देना, कुछ भी बोल देना कि शक्ल अच्छी नहीं, ये वो है, पर ऐसा भी कुछ मत बोल देना कि मैं कहीं की भी ना रहूँ। मैं एकदम हैरान था, मतलब ये क्या हो रहा है? मतलब चेहरे पर एक फीट की स्माइल और अंदर अंदर दिल खुश। लाइफ जो एकदम बोरिंग सी हो रही थी उसमें एकदम कलर फ्लेवर आ रहा है। मैंने कहा कि ठीक है, शाम को बात करते हैं, ऑफिस में हूँ। पहली बार ऐसा था कि मैं ऑफिस ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था कि कब शाम हो और उससे बात हो। मैं अभी भी हैरान था, ये हुआ क्या? मतलब ये तो एकदम अलग एक्सपीरियंस है। लेकिन बिजी इतना था कि नहीं कर पाया वापस कॉल, और 3-4 दिन ऐसे ही निकल गए। 5वें दिन मेरे पास उस लड़की का रिश्ता आया। लड़की का नाम रिमझिम,
रिमझिम सिंह। फोटो देखी तो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मेरे में एक इमेज है। मैंने उसे मैसेज कर दिया, आ गया तुम्हारा रिश्ता, शाम को बात करते हैं। मैंने उसे शाम को कॉल किया तो उसने तुरंत उठा लिया, जैसे वो फ़ोन पर ही बैठी हो, जैसे मेरी कॉल का इंतज़ार कर रही हो कि कब शाम और मेरा कॉल आएगा। मैंने कहा, हेलो रिमझिम, कैसे हो? वो बोली, ठीक हूँ, लेकिन आप प्लीज़ मना कर देना, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। और ऐसा नहीं कि मुझे आपसे ही शादी नहीं करनी है, बल्कि मुझे किसी और से भी शादी नहीं करनी है। अभी मुझे पढ़ना है और अगर मेरा ध्यान कहीं और गया ना तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगी। मेरे एग्ज़ाम्स हैं नवंबर दिसंबर में, और फिर एक दो सरकारी पेपर भी देने हैं। मैं एक अगले एक साल तक से पढ़ना चाहती हूँ, और मुझे पता है कि आप क्यों रुकेंगे मेरे लिए, एक साल है ना, तो आप मुझे रिजेक्ट कर दो, और एक्सेप्ट करोगे तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। मेरे घर वाले आपसे शादी करा देंगे और मुझे अभी शादी नहीं करनी, आप समझ रहे हैं ना। फ़ोन की दूसरी तरफ बस मैं सुन रहा था। मैं अक्सर फ़ोन पर बस काम की बात करता हूँ, एकदम टू द पॉइंट, क्योंकि मुझे ऐसे फ़ोन पर लगे रहना, मैसेजेस में बात करना ज़्यादा कहीं पसंद नहीं है। मैं ऐसा ही हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा था कि मुझे अच्छा लग रहा था। मैं चुप था, मतलब पूरा चुप था, लेकिन दिल के अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि इसे ऐसे ही चलने देते हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इतने में वो बोली कि कुछ तो बोलो। मेरे मन में आया कि बोल, तुम बोलने का दे रही हो, खुद ही सवाल करी, खुद ही आंसर दे रही हो, लेकिन बोला नहीं। मतलब मन में नहीं आया कि इसकी बेइज्जती करूँ, बेइज्जती मतलब वो वाली बेइज्जती नहीं, वो सेंस ऑफ ह्यूमर होता ना, बस वही समझ लो। खैर मैं बोला, ठीक है मैं मना कर दूंगा, लेकिन क्या सिर्फ यही कारण है तुम्हें शादी नहीं करनी या कुछ और भी है? वो बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मैं बोला, वैसे तो मुझे भी अभी शादी नहीं करनी है, और जो भी पापा रिश्ते भेजते हैं उन्हें मैं खुद मना कर देता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों तुमसे बात करने का मन हो रहा है। ऐसे कोई आवारा टाइप मत समझना, लेकिन तुम्हारी बातें अच्छी लग रही है मुझे। हम शादी ना सही लेकिन दोस्त, एक्चुअली अच्छे दोस्त तो बन ही सकते हैं, एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं, और फिर भी तुम्हें मैं पसंद नहीं आता तो तुम कह देना मुझे, मैं फिर खुद से पापा को बोल दूंगा कि कोई और देख लेते हैं। अभी मैं कैसे कहूँ, मतलब पापा भी रीज़न पूछेंगे कि मना क्यों कर रहा है। वो कुछ सोचते से पहले बोल पड़ी कि ठीक है बात कर लेते हैं, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मैं बोला, हाँ अरे हाँ पापा ठीक है, समझ गया मैं कौन सा कह रहा हूँ कि कल घोड़ी पर लेके बारात आ रहा हूँ मैं। टेक योर टाइम, और अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो आराम से पढ़ो, मैं हूँ ना, मतलब इवन मैं तो खुद चाहता हूँ कभी कभार पढ़ना, तो तुम्हें क्यों मना करूँगा। अच्छा तुम पढ़ो और दोनों का टाइम मिल जाएगा। हेलो तुम हो ना? वो बोली, हाँ मैं हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई। अरे हाँ तो करो ना, मैं कौन सा तुम्हें पढ़ने से रोक रहा हूँ। अच्छा चलो अभी दोस्तों के साथ खाना खाने जाना है, कल बात करता हूँ। वो बोली, ठीक है। जिंदगी में बहुत ही कम मोमेंट होते हैं जब दिल से एक ठंडक वाली लहर का एहसास होता है, वो एहसास मुझे हो रहा था। पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे दिल से आवाज़ आ रही हो कि शायद ये वो लड़की है जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकता हूँ, ये वो है जो मुझे और जिसे मैं अच्छे से समझ पाऊँगा। दिल जब भी ऐसे मामलों में कन्फ्यूज़ होता है तो मैं भाई अपने दिल्ली वाले दोस्त से बात कर लेता हूँ। वो कोई लव गुरु तो नहीं है पर, लेकिन हम दोनों की काफ़ी अच्छी पड़ती है, समझते हैं हम एक दूसरे को, इसलिए दिल अब ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना हो मैंने सोचा कि उससे बात की जाए और उसको सब बताया जाए कि क्या क्या हो रहा है। मैंने अपने दोस्त को कॉल करा और बताया, भाई कि ऐसा सा हो रहा है, और तुझे तो पता ही है कि मैं ऐसे किसी के बारे में कोई बात बूत नहीं करता हूँ, पर ये सही लग रही है मुझे, मैं क्या करूँ। मैं चाहता था कि मेरा दोस्त वही आंसर दे जो मेरे मन में है, लेकिन उसके मुँह से सुनना था ताकि मेरे दिल को तसल्ली हो जाए कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। मेरे दोस्त जो मुझे समझता है उसने बिल्कुल वही कहा जो मैं सुनना चाह रहा था। मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही थी, मैं एकदम अलग ही लेवल पर खुश। मेरा दोस्त बोला कि उससे रोज़ थोड़ी थोड़ी बातें कर लिया कर और मुझे भी बताया कर कि क्या बात हो रही है, क्या पता मैं कोई कहानी लिख लूँ। मेरे मन में आया है कि यहाँ ज़िंदगी की कहानी चल रही है और तुझे अपनी कहानी की पड़ी है। दिन ऐसे ही गुजरने लगे, हर शाम हमारी थोड़ी थोड़ी बात होने लगी। मुझे पहली बार ऐसे बातें करना अच्छा लग रहा था। हाँ एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि कॉल हमेशा मुझे ही करना होता था, वहाँ से कॉल आ जाए, मतलब आज मैडम का मूड बहुत अच्छा है। कॉल पर बात चाहे कितनी भी हो, रेडियो सिर्फ एक साइड से प्ले होता था और मैं ऑडियंस नहीं नहीं वाला नहीं, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन बात सच है, मैं डेटा एनालिसिस में एक्सपर्ट हूँ और मैंने ये नोटिस किया कि हमारी कॉल में 90% वो बोलती है और 10% मैं। ये लड़कियाँ बहुत बोलती हैं यार, पर मैं सोच रहा था कि अच्छा है।
अगर मेरे जैसी चुप होने वाली होती तो लाइफ बोरिंग हो जाती ना। हमारी बात अब नेक्स्ट लेवल पर आने लगी थी। वो एक स्टोरी होती है ना, जो दोस्ती से ज़्यादा और प्यार से कम, वही वाली। हम दोनों एक सीढ़ी चढ़ चुके थे। उसे भी मैं पसंद आने लगा था, और जैसे कि आपको अब तक तो पता लग ही गया होगा कि रिमझिम नाम की घंटी मेरे दिल में बज चुकी थी। एक शाम मैंने उससे कहा कि बाबूजी पूछ रहे हैं तुम्हारे बारे में। क्या कहें? वो सकपका गई, मतलब गलत सेंस में नहीं, लेकिन वो होता है ना जब आप खुश होते हैं लेकिन बताना नहीं चाहते, वैसे वाला। वो बोली, क्या? लेकिन अभी तो हम एक दूसरे को जान ही रहे हैं, तो इतनी जल्दी क्यों? मैंने कहा, अरे हाँ, मेरी माँ पूछ ही रही, ये नहीं कह रहे कल शादी करनी है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर तुम हाँ करो तो हम फैमिली को इन्वॉल्व कर सकते हैं। वो बोली, मैं बैंगलोर नहीं आऊँगी। मेरे मन में कह दूँ, कोई ना सोने हो, हम आएंगे लखनऊ, एकदम मुस्कराते हुए। लेकिन कंट्रोल करते हुए बोला कि हाँ, पापा वो लखनऊ में मिलने का सोच रहे हैं, तो हम तुम्हारे घर के आसपास ही मिलेंगे। मेरा खानदान फौज वाला है, मतलब सारे के सारे फौजी। मेरा बड़ा भाई आर्मी में है, मेजर है। भाई की शादी को भी 5 साल हो गए हैं। भाई की शादी भी लखनऊ में हुई थी। मैंने सोचा कि अगर रिमझिम फाइनल हो गई तो भाई की ससुराल भी लखनऊ, मेरी भी। सच बताओ तो सोचकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने अपने भाई को बताया कि आपका छोटा भाई भी लखनऊ की तैयारी कर रहे हैं। भाई पंजाब में पोस्टेड है तो ज़्यादा बातचीत हो नहीं पाती, फैमिली में क्या चल रहा है ये हमें बताना पड़ता है। मेरे भाई को फैमिली के नाम पर फोमो है। फोमो का मतलब समझते हैं ना आप? नहीं समझते तो जान लीजिए। मैंने 7 साल पहले कैट की तैयारी करते समय याद किया था, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी अपडेटेड ना होने का डर सताना। खैर भाई को जब बताया कि ऐसे ऐसे है तो भाई खुश हो गया। अब इसे आप शायद किस्मत कह सकते हैं या कुछ और कह सकते हैं, लेकिन लखनऊ के जिस होटल में मैं और रिमझिम मिले, आज से 5 साल पहले भैया और भाभी की फैमिली भी यहीं मिलने आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय का पहिया घूम रहा है। जहाँ पिछली बार दूल्हे का छोटा भाई बनकर साइड वाली कुर्सी पर बैठ के मैं पनीर के पकौड़े पेल रहा था, इस बार एक पूरी फैमिली मुझे बार बार खाने के लिए इंसिस्ट कर रही थी। अंदर ही अंदर अच्छा लग रहा था। मन में आ रहा था कि सबको बोल दूँ कि थोड़ी देर रिमझिम से बात कर सकता हूँ क्या अकेले में। हमारे बाबूजी भी ना, बेशक 60 के हो गए हों, लेकिन दिल उनका आज भी एकदम जवान है। खुद ही बोल दिया, जाओ रिमझिम से अकेले में बात करो। मैं सोचा, वाह पापा, दिल जीत लिया आपने तो। अगले कुछ पल मैं रिमझिम के साथ गाड़ी के अंदर बैठा था। मेरे दोस्त जो मुझसे कहते थे कि 40 की स्पीड से ऊपर नहीं जाता है तू, आज मन कर रहा था कि 100 चलाकर रिमझिम को इम्प्रेस कर दूँ। मैं गाड़ी तेज चलाने लगा तो रिमझिम बोली, जल्दी वापस जाना है। वो डेयरी मिल्क ऐड देखा है आपने, जो मन में लड्डू फूटा, वही वाला। मैंने कहा, नहीं नहीं बस ऐसे ही, और मैं वापस अपनी स्पीड में आ गया। हमारी बातें होने लगी। हम फोन पर इतना बात कर चुके थे कि दोस्त तो बन ही गए थे, लेकिन सामने से मिलकर एकदम अलग, एकदम अच्छा सा एहसास हो रहा था। हम जब वापस होटल की तरफ जा रहे थे तो रिमझिम बोली, क्या करना है? मैं बोला, तुम बताओ। वो बोली, पहले मैंने पूछा है ना। मैं बोला कि लड़की थोड़ी पागल है, पर ये पागल मुझे पसंद है। वो लेफ्ट साइड के शीशे की तरफ देखकर शर्मा दी। मेरे अंदर से मन कर रहा था कि मैं अभी गले लग जाऊँ इसके। हम होटल पहुँच गए। बाबू जी बोले, हाँ भाई राहुल, तो फिर क्या रहा? बाय गॉड, शर्म तो इतनी आ रही थी ना कि पूछो मत, इसलिए मुंडे नीचे की और हाँ कर दिया। रिमझिम ने भी हाँ कर दिया। उस पर ऐसा लगा जैसे मेरी शादी हो गई हो, एकदम जिंदगी में किसी ने परमानेंट एंट्री मार ली हो। हम होटल के बाद रिमझिम के घर गए, जहाँ रिमझिम के और भी रिश्तेदार और भी पड़ोसी आ गए। उसके कज़न उसकी टांग खींच रहे थे। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, मेरे अंदर का दिल्ली वाला लौंडा बाहर आने को बेताब हो रहा था। फिर आया हमारे जाने का टाइम। जैसा कि फिल्मों में होता है वो कोजी कोजी मोमेंट, हीरोइन और हीरो यानी रिमझिम और मैं गाड़ी के पास खड़े थे अकेले। रिमझिम बोली, जाना ज़रूरी है? मैं बोला, हाँ अभी तो जाना ही होगा। वो बोली, मत जाओ ना, रुक जाओ ना, अभी नहीं जाना है। मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे हैंडल करूँ उस इमोशन को। 5 मिनट की एकदम शांति हो गई। अब हम मुँह से बात नहीं कर रहे थे, बल्कि
फेस पर एक्सप्रेशन से एक दूसरे को समझ रहे थे। वो बोली, तो फिर जल्दी आना, इस बार मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैं फिर से खुश। अब हमारा रोका हो गया था और तय हुआ कि शादी अप्रैल के महीने में कर लेंगे। लेकिन जिंदगी इतनी आसानी से सब कुछ थोड़ी करने देती है, अभी तो बहुत कुछ आना बाकी था। मेरी नौकरी जिस पर मुझे गर्व था, एक रोज मैंने गुस्से में आकर रिजाइन दे दिया। ये गुस्सा भी ना बहुत खराब चीज होती है। थोड़े दिनों बाद रियलाइज होने लगा कि यार अगले महीने तो शादी है, मेरे पास नौकरी भी नहीं है। अपने दिल्ली वाले दोस्त को बताया, मन हल्का किया, कई सारे इंटरव्यूज भी दिए, लेकिन हर जगह से रिजेक्शन। ऐसा लग रहा था कि मैं रणभूमि में लड़ाई करने के लिए तो जा रहा हूँ, लेकिन बिना किसी हथियार के। शादी में तकरीबन 20-22 दिन ही बाकी थे, तभी टीवी पर मोदी जी है। देखना ना तुम तो मेरी स्टोरी, मैंने कहा था ना कि सब कुछ एकदम आसानी से थोड़ी होता है। तब मोदी जी आए तो पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। कोरोना ने मेरी नौकरी भी छीनी और एक तरह से मेरी होने वाली बीवी भी, मतलब छीनी नहीं लेकिन देरी तो कर ही दी। तय डेट के मुताबिक मेरी शादी 20 अप्रैल को होनी थी। हम सब एक्साइटेड थे, दोस्त लखनऊ आने और मेरी शादी में आने के लिए एक्साइटेड थे, लेकिन सब कुछ धरा का धरा रह गया। 20 अप्रैल आई और चली गई। मैं बेंगलोर में था और रिमझिम लखनऊ में, दोनों के पास नौकरी भी नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अगले ही हफ्ते मेरी ज्वाइनिंग हो गई, लोकेशन मुंबई। जहाँ मैं सोच रहा था कि दिल्ली आकर फैमिली के साथ सेटल हो जाऊँगा, वहाँ जिंदगी की गाड़ी एक अलग ही ट्रैक पर चलने वाली थी। सारे प्लान एकदम से बदल गए। अब तो रिमझिम भी ताने मारती थी कि दुल्हन तैयार है शादी के लिए, पर दूल्हा है कि बेंगलोर से लखनऊ नहीं आ पा रहा। मोदी जी ने जब अपना इलेक्शन लड़ा था तो इनका एक नारा बहुत फेमस हुआ था, अच्छे दिन आएंगे। मेरी जिंदगी के वापस अच्छे दिन आने वाले थे। एक बार फिर से टीवी स्क्रीन पर मोदी जी थे, आत्मनिर्भर का नारा लिए, अनलॉक होने की तैयारी के साथ। मुझे याद है जैसे ही मोदी जी ने कहा था कि अब चीज़ें अनलॉक हो रही हैं, तुरंत मैंने अपनी फ्लाइट की टिकट बुक की थी लखनऊ की। रिमझिम को फ़ोन किया था कि आ रहा है तेरा दूल्हा। दोस्तों को फ़ोन किया था कि मेरी शादी हो रही है। मैं हमेशा की तरह फिर से खुश हो गया था। आज 14 जून है, मेरी शादी का दिन। शादी क्या होती है ये मुझे नहीं पता। मेरी ज़िंदगी अब किस तरह से बदलेगी ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि अच्छा लग रहा है, मैं खुश हूँ। भगवान बस इसी तरह आशीर्वाद बनाए रखना। जल्दी दोबारा लिखूँगा। अभी शादी के बाद स्टोरी चलेगी, पता नहीं कैसी होगी, पर लिखूँगा ज़रूर। चलो आज के लिए इतना ही, चलता हूँ।